आज नारद बाबा ज्ञान वैराग को जगाने का प्रयास करते हैं। उठो ज्ञान, उठो वैराग, जागो, आपकी माँ बहुत परेशान है। वेद वेदांत का पाठ सुनाया है, गीता का पाठ सुनाया है, थोड़ी देर के लिए उठते जौहाई लेते फिर सो जाते, आकाशवाणी हुई। यदि आप ज्ञान वैराग को जगाना चाहते हो नारद जी, तो आप इनके लिए सत्कर्म करो। नारद जी मन में विचार करते हैं, भैया ये सत्कर्म है क्या? सत्कर्म की खोज में नारद जी चले। सबसे पूछा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब अंत में सत्कर्म की खोज करते करते नारद जी बद्री विशाल धाम पर पहुंचे और उनकी मुलाकात सनत कुमारों से हुई, और सनत कुमारों से नारद जी ने जब बताया तो आज सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, नारद जी माम चिंता गुरुदेवर से हर सम चित्ते समावहा। हे नारद जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये सत्कर्म कुछ और नहीं, ये सत्कर्म श्रीमद् भागवत की कथा है। नारद जी ने कहा, अरे महाराज हमने तो ज्ञान वैराग को वेद वेदांत का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, उससे नहीं उठे तो भागवत से कैसे जग जाएंगे, कैसे उठ जाएंगे? सनत कुमारों ने कहा, नारद जी वेद वेदांत गीता ये तो सब वृक्ष है और उस वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत की कथा है। तो आप भक्ति ज्ञान वैराग को भागवत की कथा सुनाओ, निश्चित तरुण हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे।